दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रखी नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास है OnePlus 6 स्मार्टफोन जिसको मैं यूज कर रहा हूं कुछ समय से, और OnePlus 6T जिसको मैंने स्विच किया है करीब एक हफ्ते पहले। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कुछ मेजर डिफरेंसेस या फिर वो डिफरेंसेस जो आप नोटिस करोगे अगर आप इस फोन को स्विच करते हो। सबसे पहला डिफरेंस आपको जो नोटिस होगा वो है 6.4 इंचेस डिस्प्ले इंस्टेड ऑफ 6.28 इंचेस डिस्प्ले। हालांकि सब लोगों को लगता ये था कि दोनों फोन का डिस्प्ले सेम साइज है, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो दोनों फोन में काफी हद तक थोड़ा सा नोटिस आप कर ही पाओगे डिस्प्ले का। और ये इसीलिए क्योंकि ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो, और यहाँ पर आपको मिलता है 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो। मतलब एक बड़ा नॉच मिलता है यहाँ पे, एक वाटर ड्रॉप नॉच, छोटा सा नॉच आपको यहाँ पर नोटिस होगा। इनफैक्ट ऑलमोस्ट बिजललेस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस होता है। ऊपर छोटा सा नॉच है और वहाँ पर जो है वो ऑब्वियसली यहाँ का इस स्मार्टफोन का कैमरा सेट किया हुआ है। अगर हम बात करें दूसरी चीज़ों की, तो अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो चिन भी काफ़ी छोटा हो चुका है इस फोन के अंदर। यहाँ पर आप देखोगे तो 19.5:9 वाला जो OnePlus 6T है उसके नीचे आपको मिलता है बहुत ही छोटा सा चिन। और इसके बाद अगर हम बात करें चौथे चेंज की, तो यहाँ पर OnePlus 6T के अंदर अनफॉर्चुनेटली 3.5mm हेडसेट जैक निकाल दिया है। अब उन्होंने बोला कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एम्ब्रेस कर रहे हैं, सब लोग वायरलेस हेडफोन्स यूज़ करते ही हैं। इन्होंने भी बहुत ही बढ़िया वायरलेस हेडफोन्स लॉन्च किए थे जो हालांकि अभी तक कभी स्टॉक में आए नहीं है, बहुत ही लिमिटेड स्टॉक उन्होंने लॉन्च किया था। लेकिन अगर हम बात करें दोनों फोन्स की, तो यहाँ पर 3.5mm जैक निकाल दिया है, लेकिन उनके हिसाब से उसके बदले में आपको मिलती है ज़्यादा बैटरी। मतलब पुराना OnePlus 6 जो था, जो मेरे को तो आराम से डेढ़ दिन तक चलता था, यहाँ पर 3400mAh की कैपेसिटी थी, अब आपको मिल रही है 3700mAh की कैपेसिटी। मतलब ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी आपके OnePlus 6T स्मार्टफोन के अंदर, जो अच्छी बात भी है, बट अगेन यूजर्स टू यूजर्स डिपेंड करता है। मेरी जनरली आदत है कि मैं बोस QC35 हेडफोन यूज़ करता हूँ, प्लस OnePlus का बुलेट हेडफोन्स, वायरलेस बुलेट हेडफोन्स यूज़ करता हूँ, तो मुझे आदत है वायरलेस हेडफोन्स यूज़ करने की। लेकिन काफ़ी लोग होते हैं जिनको आदत है वायर्ड हेडफोन्स यूज़ करने की, वायर्ड ईयरफोन्स यूज़ करने की, तो आई थिंक उनको इस प्रोडक्ट के बाद तकलीफ होगी। लेकिन उनके लिए अच्छी बात यह भी है कि एक छोटा सा अडेप्टर आपको अपने बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा अनबॉक्सिंग नहीं देखा है तो आप जा सकते हैं यहाँ पर या फिर यहाँ पर, जहाँ पर भी कार्ड होगा वहाँ पर जाके आप उस अनबॉक्सिंग वीडियो को देख सकते हैं और आपको आइडिया मिल जाएगा कि पैकेज के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चेंज की। दोस्तों, यहाँ पर दोनों डिस्प्ले पैनल सेम है, वही फुल एच डी प्लस का रेजोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर OnePlus 6 के अंदर आपको मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। लेकिन अगर हम बात करें OnePlus 6T की, तो यहाँ पर आपको मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन। मतलब लेटेस्ट कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास जो है वो आपको इसके अंदर मिल जाता है, मतलब बेटर प्रोटेक्शन एटलीस्ट थियोरेटिकली। अब गिरेगा तभी पता चलेगा कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा चल रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए थियोरेटिकली आपको बेटर डिस्प्ले यहाँ पर मिल जाता है या फिर प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। अगर हम बात करें दूसरे चीज़ों की, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो चेंज है जो OnePlus के हिसाब से इन्होंने किया है वो है फिंगरप्रिंट स्कैनर को निकाल देना। पीछे की तरफ आपको जो फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता था OnePlus 6 में, वो अभी निकल के आ गया है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलेगा और आप उसके ऊपर टैप करके अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और आपका फ़ोन हो जाएगा अनलॉक। और उसके बाद अगर हम बात करें एक और चीज़ की, दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा लॉन्च के ऊपर, लेकिन OnePlus 6 जो मॉडल था वो पहले लॉन्च हुआ था 6GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के साथ। मतलब जो बेस वेरिएंट था वो था 6+64, लेकिन अभी जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है इसका बेस वेरिएंट है 6+128। वेल, हो सकता है इससे प्राइस थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सके, क्योंकि यहाँ पर कैमरा सेटअप सब कुछ सेम है, डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम है, हाँ छोटा सा नॉच हो गया है, बैटरी थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन मिनिमम स्टोरेज आपका 64GB से 128GB हो गया है, प्लस नॉर्मल फिंगरप्रिंट स्कैनर के बदले में आपको मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो भी एक इंपॉर्टेंट चेंज है आपके स्मार्टफोन के लिए। तो आई थिंक उसके कारण प्राइसिंग थोड़ी सी बढ़ सकती है। लेकिन आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर सवाल है, देखते हैं आप में से कौन करेक्टली गेस कर सकता है OnePlus 6T का प्राइस जो अनाउंस होगा आज रात 9 बजे इंडिया में। इंडिया में इनका लॉन्च इवेंट है आज, OnePlus 6T का लॉन्च इवेंट है, जहां पर आपको पता चलेगा इसका प्राइसिंग। लेकिन आप लोग गेस कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा स्मार्टफोन का कितना प्राइस हो सकता है। प्लस हम करने वाले हैं एक छोटा सा गिव अवे आप लोगों के लिए डाउन द लाइन, स्टे ट्यून्ड हमारे चैनल के ऊपर। और आप लोग बताइए कि आपको OnePlus 6T का कौन सा कलर परफेक्टली बेटर लगा और किस स्मार्टफोन कलर का हमको करना चाहिए गिव अवे। अब एक और चीज़ की मैं अगर बात करूं, क्योंकि मैं इस फ़ोन को लेके गया था मलेशिया मेरी रिसेंट ट्रिप में, और वहां पर मैंने इस फ़ोन को कंटिन्यूसली यूज़ किया, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो थी इसके अंदर लो लाइट फोटोग्राफी। मतलब नाइट मोड के अंदर बहुत ही बढ़िया
कंपेरेटिवली अगर हम वन प्लस सिक्स से कंपेयर करेंगे तो बेटर फोटोज आपको मिल जाते हैं। और ये किस तरह से काम करता है, आपको कैमरा मोड के अंदर ऑप्शन मिलता है नाइट मोड का, आप ऑटोमेटिकली भी उसको एनेबल कर सकते हैं सेटिंग्स के अंदर। और जब भी आप फोटो लेते हैं तो कुछ सेकेंड्स तक वो अलग अलग फोटोज लेता है, टेक्निकली 10 फोटो लेता है, सबको कंबाइन करके आपको एक बेटर पिक्चर मिल जाता है। तो वो भी एक चेंज है इस नए OnePlus 6T के अंदर। तो ये थे कुछ चेंजेस जो मैंने नोटिस किए। अगर मैं बात करूँ फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो मुझे पीछे की फिंगरप्रिंट स्कैनर की आदत हो चुकी थी अभी तक, जब भी मैं फ़ोन उठाता था डेस्क से पीछे फिंगरप्रिंट किया ऑन और काम हो गया। लेकिन फेस अनलॉक का भी एक अच्छा फीचर था तो मुझे पता नहीं चलता ज़्यादा। लेकिन अगर हम बात करें इस नए फ़ोन की, तो यहाँ पर OnePlus 6T में आपको थोड़ा समय लगेगा इसको चेंज करने में, अपने आप की आदत बदलने में, क्योंकि पीछे फिंगरप्रिंट स्कैनर है नहीं, आपकी फिंगर जाएगी सीधा OnePlus लोगों के ऊपर अगर आप स्विच कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको फ्रंट में ये फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, जो भी काफी इंटरेस्टिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो ये थे 10 ऐसे चेंजेस जो OnePlus 6 और 6T के बीच में आपको मिलते हैं। अगर आप सोच रहे हैं अपग्रेड करने के लिए, तो आई थिंक आपके लिए ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ी सी बेटर बैटरी है, नाइट मोड है जो सुनने में आ रहा है कि OnePlus 6 के अंदर भी आपको मिल सकता है कुछ दिनों के अंदर, इन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और एक वाटर ड्रॉप डिजाइन का नॉच, मतलब बहुत ही छोटा सा नॉच। तो अगर आप किसी और फोन से स्विच कर रहे हैं देन आई थिंक आई कैन रिकमेंड यू द OnePlus 6T। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं OnePlus 6 से अपग्रेड करो देन आई वुडंट रिकमेंड यू टू राइट अवे स्विच, क्योंकि ये इतना पैसा वसूल डील नहीं हो सकती है आप लोगों के लिए। बस इतना सा दोस्तों, ये थे टॉप 10 चेंजेस OnePlus 6T और OnePlus 6 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मैं हूं अमित और मैं मिलता हूं आपको हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।